2005 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था बंटी और बबली। वो बंटी बबली फिल्म में दोनों के कारामात से उन्होंने ताजमहल तक को बेच दिया, और भाजपा और ईसीआई नया बंटी और बबली अब ये पूरे जमहूरियत को बेच देगा, लोकतंत्र को बेच देगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से चुनाव आयोग के कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथगांठ में चुनाव आयोग कार्य कर रही है। झारखंड का 5 जनवरी को सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग का दौरा रांची में हुआ, हम लोगों ने आयोग अवगत कराने का काम किया था। इसके साथ ही उन्होंने मांडू, रामगढ़ और खिचड़ी सिल्ली को अलग अलग चरणों में बांटने को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनावी सभा का क्षेत्र को प्रभावित करने की साजिश भाजपा चुनाव आयोग के द्वारा रची गई है। कोई उन्होंने चुनाव आयोग और भाजपा को बंची बबली का संज्ञान देते हुए कहा कि झारखंड के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की घोषणा से पहले हेमंत बिस्वा शर्मा को मालूम रहता है कि सोशल मीडिया पर ट्वीट किया जाता है, पूरा पटकथा आसाम भवन हुआ है और अनुमोदन दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय बीजेपी पार्टी से हुई है। वहीं आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आसाम का काला जादू झारखंड में नहीं चलेगा, अगर वह आसाम से है तो यहाँ कोलकाता का बंगाली बाबा बैठा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। बहुत प्रतीक्षित आप लोगों के लिए सवाल था कि भाई आगामी विधानसभा का चुनाव कब होगा। हम लोगों को ये पहले से ही मालूम था कि जिस प्रकार से इस राज्य के लोगों की आकांक्षा की पूर्ति के लिए जो एक यात्रा चल पड़ा था 2020 से ही, पहले तो उस पे वैश्विक महामारी का एक पड़ाव आया, एक रोक लगा, जब उसको हम लोगों ने पार किया तो सरकार गिराने का, षड्यंत्र रचने का, केंद्रीय एजेंसियों को यहाँ पर सक्रिय करके राज्य सरकार के कामकाज में रोड़े अटकाने का, वो एक दौर चला। और लोकसभा चुनाव के बाद जब सरकार पूरे निर्णय के साथ आगे बढ़ने लगी तो समय अवधि के पूर्व इस सरकार को कैसे ब्रेक कर दिया जाए, उसके कामकाज को कैसे रोक दिया जाए, महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहे कदम, युवाओं नौजवानों के लिए किए जा रहे काम, किसान मजदूरों के प्रति दायित्व, सामाजिक सुरक्षा, सर्वजन पेंशन, ओपीएस, सभी वर्ग के लोगों को समायोजन, इन तमाम चीजों को कैसे मतलब रोका जा सके, बैरियर लगाया जा सके, इससे हम लोगों को भी ये आशंका थी कि झारखंड में चुनाव हो जाएगा। पिछले बार हरियाणा के साथ महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, इस बार हरियाणा का चुनाव अकेला हुआ। आप सबको याद होगा कि आज लगभग 8-9 दिन बीत गए विधानसभा चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद ना विधानसभा का गठन हो पाया ना नई सरकार का गठन हो पाया। लेकिन चूंकि 26 नवंबर आपको महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल को समाप्त होना है, उसके पूर्व गठन होना हमारा 5 जनवरी को है, मैंने पहले भी कहा था, तो इसलिए दोनों को क्लब कर दिया। ये आशंका हम लोगों को थी और मैंने माननीय चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त जब यहां पर आए थे उनको कहा था कि आप ऐसा ही करने जा रहे,
और आपसे भी बात करते हुए हमने कहा था कि भाई देखिएगा, दो चरण में चुनाव होगा और 23-24 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि अब मैं भी भाजपा को पढ़ने लगा हूं, भाजपा को समझने लगा हूं। 2005 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था बंटी और बबली। वो बंटी बबली फिल्म में दोनों के कारामात से उन्होंने ताजमहल तक को बेच दिया, और भाजपा और ईसीआई नया बंटी और बबली अब ये पूरे जमहूरियत को बेच दे रहे, लोकतंत्र को बेच दे रहे।